देश में। मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ साहब और प्रार्थना करवाता हूँ, मेरे को बहुत तकलीफ होती है। इस बात से नहीं होती कि मैं सावधान विश्राम नहीं कर पाता हूँ। तकलीफ होती है जब सुनता हूँ कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जल्द तिरंगा, कहीं से कहीं तक इस राजस्थान का नाम नहीं आता साहब, बड़ी पीड़ा होती है। मैंने परम पूज्य गुरुदेव रविन्द्रनाथ जी टैगोर साहब से प्रश्न किया कि कैसे भूल गए गुरुवर तुम, कैसे भूल गए गुरुवर तुम वीरों की इस माटी को, कैसे बिसरा डाला तुमने आन बान परिवाटी को, और यहाँ मुंड कटे और रुंड लड़े इतिहास हमें बतलाता है, और कैसे बिसरा डाला तुमने रक्त रंजित तो हल्दी घाटी को। वाह क्या मजबूरी रही गुरुदेव आपकी, क्या कारण रहा आपका, मैं नहीं जानता, लेकिन आपने बहुत अन्याय किया राजस्थान के साथ में। ये वीरों की भूमि है, हमारे प्रदीप जी ने लिखा है बड़नगर के उज्जैन के पास के, यह अपना राजपुताना नाच जिसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे, यह प्रताप का वचन बोला है आजादी के नारों पे, और कूद पड़ी थी जहां हजारों पद्मनिया अंगारों पे, वो है राजस्थान। मैंने कहा गुरुवार मेरी एक बात को नोटिस कीजिए, मेरी बात को लिख लीजिए, अगर मैंने सही बात कही हो इस भूमि पर खड़े होकर तो मुझे बताना कि गुरुवर से मैंने सही प्रश्न किया कि बेशक जनगण में राजस्थान का मान नहीं होता, बेशक जनगण मन में राजस्थान का मान नहीं होता, जनगण मन में राजस्थान का गुणगान नहीं होता, लेकिन गुरुवर ये राजस्थान नहीं होता तो ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं होता। वाह वाह भाई वाह 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 दिनेश भाई, सौ प्रतिशत सत्य कह रहा हूं कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान होता, ये राजस्थान की वीरता का प्रमाण है साहब, जो हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, और आप जनगण मन में भूल गए राजस्थान का नाम। पीड़ा होती है, गलती होती है सरपंच साहब, और जब गलती होती है तो छत पे सोया छत पे सोया बहनोई।